कामना करो। आदम ने आप झूठे बेरों की बात कर रहे हो, अरे इनके के हाथ का कोई पानी भी ना पिए, देखो कितनी बदबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कई महीनों से स्नान ना किया हो, देखो कितने जुए भरे हुए हैं। आज आपसे एक बात ना पूछ ले, आपको जितने भी भक्त मिलते हैं सब ऐसे ही भक्त मिलते हैं अटपटे। पहले वो केवट मिला, कहा है तुम्हार मरम में जाना, जबकि आपका तो मरम तीन देवों ने नहीं जान पाया। प्रभु जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेहू न जाने मरम तुम्हारा। अर्थात भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देव आपका मरम जान पाओ, केवट कहा है मरम में जाना। फिर दूसरा भक्त मिला, भक्त सुतीक्षण, हम जगाए रहे जाओ भगत मोरे, फिर भी नहीं जाग रहा। फिर आपने चतुर्भुजी रूप दर्शन दिए, तीसरा भक्त ये मिला, ये भी शुद्ध नहीं कि झूठे वीर खिला रहे। क्या ऐसे ही भक्त मिलते, कोई अच्छा भक्त नहीं मिलता? ये तो आंखें हैं, ये आंखें हैं लक्ष्मण, ये तो अपना अपना नजरिया है, ये आंखें हैं जो कुछ है, अपना अपना नजरिया है, कौन किसको किस नजर से देख रहा है, कौन किसको किस दृष्टि से देख रहा है, ये आंखें ही होती हैं, आंखें ही बताता है। लक्ष्मण, जब मैंने सबरी के मुखमंडल की ओर देखा तो हमें सबरी नहीं, भीलनी नहीं, हमें तो सबरी के मुखमंडल में तीनों माताओं का मुखमंडल दिखाई दे रहा है, तीनों माताओं का, जैसे मैया कौशल्या, मैया कैकई, माता सुमित्रा, तीनों माताएं हमें बड़े प्रेम से भोजन करा रही हैं। मैंने तो अपनी माताओं का स्वरूप देखा लक्ष्मण। ये इंसान कितना, ये इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने। माताओं का स्वरूप हमने देखा लक्ष्मण। यद्यपि पत्नी भोजन अच्छा बना सकती है, पत्नी भोजन अच्छा बना सकती है, लेकिन जितने प्रेम से माता भोजन कराती है, जीवन में कभी इतने प्रेम से पत्नी भोजन नहीं करा सकती है। मैंने तो माताओं का मुख देखा सबरी के मुखमंडल। ये दौलत अगर मिल भी गई तो क्या उसे मिला, क्या दौलत ही सब कुछ होती है, धन ही सब कुछ होता है, मन भी तो देखो कभी कभी मन कैसा है। दौलत अगर मिल भी गई तो क्या उसे मिला, वो कितना कामयाब है कुदरत के सामने, उससे बड़ा कोई नहीं। जय हो। वो कितना कामयाब है कुदरत के सामने, इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपना को भूल बैठा है दौलत के। बिल्कुल नहीं,
भल परिजन गुण चतुराई ये सब कर है भाई केवल हमें भक्ति चाहिए और यदि भक्ति नहीं है भगत ही निर्दल सोहे कहे ते बिन जल पायो देखिए जैसे बिना पानी का बादल वो व्यक्ति जिसके अंदर भक्ति नहीं है दौलत अगर मिल भी गई तो क्या उसे वो कितना कामयाब है कुदरत के सामने इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने अपना प्रथम भगति शंतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगत मान चौथ भगति मम गुनगन करे कपट तजगान मंत्र जाप मम दृढ़ स्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठ तमसील विरत भवकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम होय मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपने उन्हें देखिए परदोसा नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस ही हरस नदीना नवम जिनका एक ही होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे प्रभु आज देख रही हूं आपके मुखमंडल की ओर क्या कारण है आप उदास हो भामिनी मैं अपनी सीता को खोजता हुआ फिर रहा हूं प्रभु मेरी अर्धांगनी का किसी ने हरण कर लिया है अच्छा यदि आपको हमारी सीता की सुधि हो कोई जानकारी हो तो बताओ प्रभु मुझे जानकारी तो नहीं है लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ यहाँ से कुछ ही दूरी पर कंपापुर स्थान है वहाँ बानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं आपको शायद वहाँ जानकारी मिले अवश्य आपकी बात का अनुसरण करूंगा और प्रभु मैं तो आपकी सेवा जानती नहीं क्योंकि जाती नहीं हे प्रभु और जरा देर ठहरे राम और जरा देर ठहरे राम तमन्ना यही है अब तुमको भी हेलो आज ये
सुग्रीव क्या देख रहा है? वो दिखाई नहीं रहा। हनुमान ये सामने से दो सुंदर सिंह के समान ये जोड़ी बाहर। अरे हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी तेजस्वी नरसिंह समान दिखाते हैं। मातंग श्राप बस बाल विराट यद्यपि यहाँ ना सकता है, पर जग में जब तक मैं जिंदा हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव उसके गुप्त दूत मेरा पता लगाने आते हो, छल से बल से निज कौशल से बद करने मेरा आते हो, इसलिए प्रथम पत्राई से सब पता ठिकाना लेना तो, और हो मेरा संदेश ही तो बानरी सारा बालराज पतिश्री महाराज सुग्रीव महाराज मैं भी देख रहा हूँ पंपा सरोवर के निकट दो धनुर्धारी वीर विचरण कर रहे हैं, लेकिन आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैं विप्र भेष बना करके वटुक भेष बना करके इनके समीप जाऊंगा। यदि वास्तव में ये बाली के द्वारा भेजे गए होंगे तो मैं आपको बादली संकेत कर दूंगा, और अगर कोई और हुए नेक हृदय के हुए तो मैं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। जाइए। जय हो। रूप धरो प्रति रूप धरे कपित है गयो बनाना है जिस बेस पर कोई कभी अविश्वास नहीं करता, अर्थात विप्र का बेस। देख रहा हूं पंपा सरोवर के निकट दोनों वीर हमें दिखाई दे रहे हैं, चलो इनके पास चल करके इनका परिचय प्राप्त करते हैं। इस भयानक वन में भ्रमण करने वाले हे आर्यदेव हे आर्यवीर, आपका ये वेश देख करके इस विप्र को सर्वप्रथम लगा कि आप कोई भ्रमण ब्राह्मण भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जब आपके समीप आकर के देखा तो ये कंधों पर धनुष और बाण, पीठ पर बना हुआ यह तुरीण, जो ये सिद्ध करता है कि आप ब्राह्मण तो नहीं हैं, और अगर ब्राह्मण हैं भी तो कैसे ब्राह्मण? अग्रेश सुत्रा वेदा पृष्ठे सा सरोधनु इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि सरादपि, अर्थात मुख से चारों वेदों का पाठ करते हुए और हाथ में ये धनुष और बाण लिए हुए जो धर्म रक्षा के लिए आवश्यक है, हे देव मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, और पूछना चाहता हूं केवल अपने हृदय की जिज्ञासा, अर्थात कोतुम श्यामल गौर सरीला क्षत्रिय रूप भिरव बलवीरा, आप सांवले और ये गौरवर्ण आप दोनों वीर कौन हैं, और इस भयानक वन में जो आपके अनुकूल तो बिल्कुल नहीं लगता आप भ्रमण करते हैं? ये देव मृदुल मनोहर सुंदर गाता सह तो सहबन तब पाता, ये आपका कोमल शरीर जो इस भयानक कष्टों के लायक नहीं दिखता, फिर किस कारण हेतु आप इस वन में भ्रमण करते हैं? नाथ
हे देव, जब आपके चरण कमलों की ओर देखता हूं तो ये बहुत कोमल दिखाई दे रहे हैं, कोमल भी इतने जैसे कमलस रूपी चरण हो, फिर ये भूम बहुत कठोर है, ये कांटे, ये कंकड़, ये पत्थर, कठिन भूम कोमल पदगामी कबल हेत वन विचरो स्वामी। जय हो। हे नाथ, क्या तीनों देवों में से कोई दो देवों का साक्षात्कार आज इस भक्त को हो रहा है कि तुम तीन देव में कोई नर नारायण या तुम दो जग कारण तारण भव वंजन धरणी भार है हो कि तुम अखिल भूमन पति लीन मनुवत्ता। आज क्या मनुष्य के वेश में मैं देवों का दर्शन कर रहा हूं? अरे देखो तो ऊंचे पहाड़, ये बालू बयार, निश्चर बालक का डर भगवन, ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए यहां क्यों कर भगवन? मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों में, कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों में। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता अच्छा कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो कुछ बातें बन जाएगी। मानव शरीर के नाते से बस इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा ना याद भूलते हैं। आपको देख करके हमें ऐसा लगता जैसे पहले आप कभी हमें मिले हो, लेकिन हम विस्मित हो रहे हैं, आप कौन हैं? कृपा करें बता देंगे। जय हो। देव सीधा हम परिचय देंगे आपको। यदि आपने पूछा है मेरा परिचय क्या है, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए, अब नरेश अयोध्या से आए हैं, महाराज श्री दशरथ जी के हम बेटे हैं, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, संग में नारी थी है नहीं, संग नारी सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही खोज तबिप्र फिर रहे हम देही, यहाँ किसी ने हमारी वैदेही का हरण कर लिया है, हम उसको खोजते हुए फिर रहे हैं, यही हमारा परिचय है, यही हमारी स्थिति है। अब आप बताएं कि आप कौन हैं? आपन चरित कहा गाई, विप्र कहा निज कथा बुझाई, आप कौन हैं? अपना भी पवित्र प्रभु पाए जाना परोग्रह चलना सो सुख्यों मा जाए नहीं बनना। हे नाथ क्षमा करें, मैं विप्र नहीं बल्कि आपका सेवक हनुमान हूं, लेकिन हे नाथ मैं एक बानर हूं, कुबुद्धि हूं, मोर न्याय पूछा मैं साई, तुम पूछो कसनर की नाई, तो माया बस प्रभु भुलाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुन प्रभु होए बिसारी हूं दीन बंधु भगवान। हे नाथ मेरे अंदर बहुत से दुर्गुण हैं, आपकी माया का आवरण हमारे चारों ओर बना हुआ है, लेकिन हे नाथ आप साधारण मनुष्यों की भांति हमसे पूछते हैं, क्या आपने अपने इस हनुमान को भुला दिया? प्रभु हनुमान तुमसे भेंट हुई अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी उपाधि देने जा रहा हूँ, सुन कब जिए जन मान सुना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दुना, आओ मेरे हृदय से। जय हो। बोलिए प्रभु राम चंद्र की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बस प्रभु अब आप अपने हृदय से इस दुख को दूर कर दीजिए, कारण जिस सियाह हमने सियाह री अरे उसका हम दिया बुझाएंगे, आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, अरे पालन हम करते जाएंगे, बल अपना पूर लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में, जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे, निश्चर से हीन करूंगा मैं इस पड़ में प्राण लड़ाएंगे,
हे नाथ, देखो सामने जो विष्णुमुख पर्वत दिखाई दे रहा है, इस पर्वत पर हम सभी बानरों के अधिपति महाराज सुग्रीव रहते हैं। आप हमारा निवेदन स्वीकार करें, हमारी पीठ पर सवार हो जाएं, हम आपको महाराज सुग्रीव के शरीर तक ले जाएं। हनुमान चलो, तुम्हारी इच्छा है तो चलो आओ। यह मेरे लगन कथा समझाई, लिए दो जन प्रीत चढ़ाई। महाराज आप कंदरा से निकल करके बाहर आ जाइएगा, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे आ जाइए महाराज। अब सुग्रीव राम कहे देखा, अतिशय जन धन कर देखा। तात हनुमान ये कौन है, इनका क्या नाम है, इनका क्या परिचय है? हे महाराज सुग्रीव, जिन दो तेजस्वी पुरुषों का दर्शन इस समय आप कर रहे हैं, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराज श्री दशरथ जी, उनके ज्येष्ठ सुपुत्र हमारे आराध्य प्रभु राम एवं श्री लक्ष्मण जी, जिस विषय की चर्चा हमारे विष्णुमुख पर हुआ करती थी कि प्रभु राम पिता माता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष वन में व्यतीत कर रहे हैं, यहाँ किसी निशाचर के द्वारा माता जानकी जी का हरण कर लिया गया। महाराज सुग्रीव देखो हमारे द्वारा ये अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है, आप अग्नि को साक्षी मान करके प्रभु को अपना मित्र बनाइए और प्रभु के कष्टों का निवारण करने के लिए हमारी संपूर्ण बानर समाज तन मन से प्रभु का सहयोग करे। जय हो। हेलो, जय हो, जय हो प्रभु श्री राम जी की जय हो। आपके शरणों में ये सुग्रीव सादर नमन करता है। आदर मेरे गाय पद माता बेटे अयोध्य सहित रघुनाथा। जय हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है आपके नाम का रात दिन गुणान बात करता रहता है। तो ठीक है प्रभु, आज हम आपको पावक की साक्षी मानकर अपना मित्र बना रहे हैं, और इतना ही नहीं, जो भी आपका बिगड़े से बिगड़ा कार होगा उसमें ये सुग्रीव तन और मन से हाथ बटाएगा। क्यों भगवान, धन हमारे पास है नहीं, पहाड़ पर रहते सुग्रीव मित्र बन गए हो, अब दूर नहीं जाना, ये जगह भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल यहीं खड़े रहना। कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, यहीं खड़े रहो। बताओ हम मित्रता के बारे में बताने जा रहे हैं। ओ बाबू कहाँ जा रहे हैं, इधर आओ। नहीं भगवान, हमने पावक जस जल रही नहीं, नहीं वो बनी साक्षी मान, मैं तुम्हें अपने समीप देखना चाहता हूँ। ठीक ठाणे प्रभु, आप दूर क्यों भाग रहे हैं, दूर कितने भाग रहे हैं, इधर आओ। आपसे जो हम मित्रता के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं, बताओ प्रभु। नहीं प्रभु, यहाँ पावक को साक्षी मान लिया है। अच्छा, तो पावक को साक्षी मानकर मैं भी तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ और ये वचन दे रहा हूँ, जब तक जान में जान रहेगी ये बंद नहीं होते थे, नहीं होते बंद। जब तक जान में जान रहेगी तब तक हम तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकते। बस प्रभु, मैं बाबा को साक्षी मानकर मैंने तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ और मित्रता के बारे में चंद्र पंक्तियां भी पढ़ना चाहता हूँ। मित्रता की पहचान क्या है,
विडंबना यदि है तो मित्रों की। सच्चे मित्र की पहचान निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र दुख रज मेर समाना, अपने पहाड़ जैसे दुख को छोटा सा दुख समझना चाहिए और मित्र के छोटे से दुख को पहाड़ जैसा दुख समझना चाहिए। लेत देत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपति काल कर सतगुर निहा, सुख कह संत मित्र गुनी। सच्चे मित्र की पहचान है आपत्ति काल में सात गुना स्नेह है।